अभी ये प्रोसेस, इन प्रोसेस में है, ये सारी जो प्रक्रिया है प्रोसेस में है। हमने पहले स्वयं घोषित सेल्फ डिक्लेयर्ड ऐसा परिवारों का पंजीकरण करने के लिए कहा था, क्योंकि पंजीकरण अभी मैंडेटरी नहीं है। जो करना चाहता वो कराता है, जो नहीं करना चाहता तो नहीं कराता है। लेकिन तो भी अभी तक लगभग 2,51,00,000 लोग जिसमें सिटीजन जो है उससे पंजीकृत हुए हैं। मैं मानता हूं कि अभी भी 10% परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया होगा। इस प्रक्रिया में पहले स्वयं पंजीकृत कराते हैं, उसके बाद फिर हम उनको वेरीफाई करने के लिए उनके हस्ताक्षर करा करके दोबारा अपलोड कराते हैं, ताकि एक बार लिखाई गई जो जानकारी है, क्योंकि वो जानकारी अलग अलग स्रोत से ली गई है, फिर उसका जो भी जानकारी है उसका एक प्रिंटआउट लेकर के और परिवार के मुखिया से हस्ताक्षरित करा करके फिर अपलोड करते हैं, तब उसको मानते हैं कि ये जो दी गई जानकारी है ठीक है। दूसरा इसमें विषय है कि कुल आय, आय भी चूंकि स्वयं घोषित होती है, इसलिए जब तक उसकी ऑथेंटिकेशन, हम उसकी वेरिफिकेशन ना करा लें, तब तक उस आय को भी हम ये नहीं मान के चलते कि अब ये ठीक होगी। क्योंकि परिवार पहचान पत्र के तैयार करने का, इसको शुरू करने का जो मुख्य हेतु है वो यही है कि हमारे अलग अलग विभागों के डाटा अलग अलग प्रकार से चलते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है और एक डाटा दूसरे डाटा से मेल भी नहीं खाता है। इलेक्शंस हैं, उनका कुछ और डाटा है, सेंसस है, उसका कुछ और डाटा है, पीडीएस है जिसके अंदर राशन दिया जाता है उसका डाटा कुछ और है, गैस सिलेंडर दिए जाते हैं उसका डाटा कुछ और है। हालांकि राशन लेना भी कोई सब राशन लेते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बिजली कनेक्शन है ये तो प्राय प्राय हर परिवार में होता है। उनके परिवारों की संख्या आप लेते हैं तो इन परिवारों की संख्या से अलग अलग है। इसलिए ध्यान में आया कि एक सेंट्रल, एक केंद्रीकृत एक डाटा एक बार बने जिसमें से हम ये कह सकें रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा यानी उस परिवार में कोई बढ़ोतरी हुई है, जन्म का जो है वो भी उसका पंजीकृत किया जाए, भगवान को कोई प्यारा हो गया, मृत्यु हो गई तो उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाए, शादी होती है मैरिज रजिस्ट्रेशन उसको भी अनिवार्य किया जाए, ताकि हम परिवारों की रचना, व्यक्तियों की संख्या, इसको एक प्रकार से स्मूथ कर सकें। और इसलिए डाटा परिवार पहचान पत्र का रियल डाटा बन जाए, इसलिए परिवार पहचान पत्र को गठन किया गया है। आज अगर जो आय लोगों ने भरकर दी है उसमें प्रति परिवार एवरेज आय 2,47,000 रुपये बनती है, प्रति व्यक्ति आय 61,558 रुपये बनती है। इस आय को हम जो यानी प्रति व्यक्ति परिवार जो पर कैपिटा इनकम सामान्यतया अन्य संदर्भ में जो कहते हैं, कई बार बजट में कई बार हम कहते हैं हमारी पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सब प्रांतों में सबसे ज़्यादा है, वो पर कैपिटा इनकम अलग होती है, वो होती है हमारी जीडीपी की जो टोटल वैल्यू है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, वो पर कैपिटा इनकम बनती है, वो पूरे स्टेट का उत्पादन होता है। ये इनकम परिवार की या व्यक्ति की अपनी जो आय है उस हिसाब से ये आय जो है ये मैं बता रहा हूं। तीसरा प्रश्न जो इन्होंने किया है कि इस डाटाबेस को सत्यापित और अपडेट करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें भी सबसे पहले तो जो डाटा उपलब्ध है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के पास, खास करके जो सीबीडीटी का जो आयकर डाटाबेस है वो भी हमने उपलब्ध करवा लिया है, उन्होंने हमको दिया है कि हाँ गवर्नमेंट पर्पज के लिए हम इसको डाटाबेस को दे सकते हैं। तो जो इनकम टैक्स पे ही है उनका डाटा तो इनकम का वहां से लिया गया है, और जो कर्मचारी हैं उनका जो एचआरएमएस में डाटाबेस होता है कर्मचारी की सैलरी कितनी है वो डाटाबेस उसमें से लिया गया है। श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा निजी क्षेत्र और इसी तरह के काम करने वाले व्यक्तियों का जो भुगतान होता है पारिश्रमिक जो होता है उस डाटा को वहां से लिया गया है, और जो शेष बच गए हैं उनके लिए हमने लोकल कमेटीज बनाई है। उन लोकल कमेटीज में कर्मचारी भी होते हैं, वहां का जो गांव में हमारा सीएससी का जो सेंटर होता है डाटा ऑपरेटर वो भी रहता है, एक एक कॉलेज विद्यार्थी वो भी उसमें जोड़ा गया है। उस गांव का, उस इलाके का रहने वाला कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उनसे 14,000 ऐसे विद्यार्थियों को 19,000 के लगभग ये हमारे जो लोकल कमेटीज हैं, एक पोलिंग बूथ को हमने एक लोकल कमेटी बनाया है, उसमें से लगभग 14,000 विद्यार्थियों की संख्या उसमें हमें मिली है। कुछ वॉलंटियर्स की लिस्ट भी हमारे पास पहले से है, तो उस नाते से जो कोविड के समय हमने ओपन वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन कराया था वो भी लगभग 70,000 वॉलंटियर्स का डाटा हमें मिला था, उसमें से भी एक वॉलंटियर एक लोकल यूनिट 20,000 लोग उसमें से हमने लगाए हैं।
इन सबको भी डाटा भेजा जाता है कि ये 1,00,000 रुपए से नीचे की इनकम अभी उसको वेरीफाई करा रहे हैं कि जिसने ये कहा कि मेरे परिवार की आय 1,00,000 रुपए से कम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो खुद डिक्लेयर करेगा वो ठीक करेगा, उसमें अंतर निकल रहा है। किसी का 2,00,000 है वो भी 1,00,000 भरता है, 3, सबको लगता है कि शायद कम भरने से सरकार के लाभ मिलेंगे, उसको वेरीफाई कराया जा रहा है। अभी तक 48,000 परिवारों का डाटा हमारे पास इस, क्योंकि इस महीने से ही शुरू किया है, वो आया है। जो 50,000 रुपये से इनकम से कम के परिवार हैं ऐसे लगभग 30,000, और जो 1,00,000 से नीचे वो 18,000, तो 48,000 का, लेकिन ये उसका पोर्शन है, सारा नहीं आया। ये सारी प्रोसेस अभी चल रही है, चलती हुई प्रोसेस में हमारा टारगेट ये है कि कम से कम जो 1,00,000 रुपये मास 1,00,000 रुपये सालाना इनकम के कम परिवार हैं, इनको विभिन्न विभागों की स्कीमों के माध्यम से उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए, उनको स्वयं रोजगार के माध्यम से, उनको कोई डेयरी पशु बांध करके और अपना कोई परिवार को चला सकते हैं, उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाएं उसमें कुछ काम कर सकती हैं, उसमें कहीं आउटसोर्सिंग के नाते से किसी को काम में दिलवाया जा सकता है, और भिन्न भिन्न प्रकार से जो आय बढ़ाने के साधन 6 विभागों को इसमें लगाया गया है, ताकि न्यूनतम 1,00,000 रुपये की इनकम पर परिवार अर्थात 8,500 रुपये महीना, ये परिवार इससे नीचे कोई ना रहे। कितनी सफलता मिलती है ये भविष्य के घर में है, लेकिन हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र का जो डाटाबेस बनाया है, इसमें जो अंतिम है वो कहा गया कि इसकी सिक्योरिटी, तो डाटाबेस का जो ये सारा जो डाटा है ये सरकारी क्लाउड में रखा जाता है, प्राइवेट किसी भी एजेंसी को इसमें लगाया नहीं गया है, या तो सरकारी विभाग या फिर NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है उनको इसमें लगाया गया है, कोई डाटा कहीं बाहर जा नहीं सकता है। तो इसलिए इस डाटा की सिक्योरिटी भी सुनिश्चित की गई है, ताकि हम कोई भी जो डाटा लेंगे इसमें सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी कंसेशंस हैं, जो कोई सब्सिडी है, जो कोई पेंशन है, जो सरकारी लाभ दिए जा सकते हैं, वो अब सारे इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिए जाएंगे।